हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क मेंस में जीए के क्या क्या क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और 501 वाले क्वेश्चन की जो मैंने पीडीएफ दी थी, उससे डायरेक्ट 15 क्वेश्चन आए, एक बार आप लोग जाके देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एचपी सक्सेस क्लासेस, और प्लीज एक बार कमेंट करना। वो सभी स्टूडेंट जो एचपी सक्सेस क्लासेस में आने के बाद जिनके जीए स्ट्रांग हुआ है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो जो भी चीजें उनके साथ चीज हुई है, ठीक है, जो भी हुआ है इम्प्रूवमेंट, वो इम्प्रूवमेंट का एक बार कमेंट करना कि जिस जिसको हेल्प मिली है इस चैनल से, प्लीज एक बार कमेंट करना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो यार। और चलो, तो अब मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चंस शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और जिसने भी मेरी 501 क्वेश्चन और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की जो मैंने 14-15 वीडियोस बना रखी थी, वो सारी देखी है, आराम से उसने 25 क्वेश्चन किए होंगे डेफिनेटली। और गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो से क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए गवर्नमेंट स्कीम से, वो भी मैंने डिटेल में 46 गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाई थी आप लोगों को। बजट से क्वेश्चन आया है, ओलंपिक से क्वेश्चन आया है, मैंने बोला था क्योंकि आरआरबी में ऐसा जी आने के बाद बहुत सारे लोग हताश हो रहे थे कि क्या पढ़े, पर मैंने आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना के बोला था कि आप लोग ओनली जुलाई और अगस्त को अच्छे से कर लो, और आरआरबी के अंदर ऐसा जीए पूछता है, आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ में ऐसा जीए नहीं पूछता, वो आसान जीए मतलब टू द पॉइंट चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस देखते हैं अपन। तो जब 500 क्वेश्चन में मैंने बनाए थे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनाया था, नेशनल स्पेस डे की थीम क्या होगी, टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा। ये क्वेश्चन जब बनाया बनाने लगा तभी मुझे लगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो क्वेश्चन आया डेफिनेटली। देखो थीम आई है, और ये कब बनाते, 23 अगस्त को बनाते हैं, और पहले अभी जो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया, ठीक है। अभी चंद्रयान 3, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी थोड़े से मैं बता रहा हूँ, चंद्रयान 3 की जो एनिवर्सरी मनाई है, वहीं पे अभी एनसीईआरटी ने एक बुक लॉन्च की थी, मैगजीन सपनों की उड़ान, सपनों की उड़ान, ठीक है। आगे चले एफएटीएफ का हेडक्वार्टर, तो देखो मैंने जो चेकलिस्ट बताई थी, जिस भी स्टूडेंट ने चेकलिस्ट कंप्लीट फॉलो की होगी, वहां से सभी जगह से क्वेश्चन आए, डेफिनेटली 25-26 मार्क्स स्कोर करेगा। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, एफएटीएफ के नए अभी प्रेसिडेंट भी बनने वाले हैं एलिसा डेंडा मेड्राजो जो मेक्सिको से हैं। नेक्स्ट एनपीसीए की जो नई सब्सिडरी बनी है एनआईबीएल, उसमें बी क्या है, एनपीसीए ने अभी भीम सर्विसेज लिमिटेड नई सब्सिडरी बनाई है, ठीक है, बी भीम है। और इसके हेड कौन बनाया था, ललिता नटराज को बनाया था, अपन ने वो भी देखा था। इसके सीईओ कौन बने थे, ललिता नटराज, ठीक है। अब आईडी कितने डिजिट की होती है, 14 डिजिट की होती है। तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम की जो क्लास पढ़ी थी उसमें बताया था, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम पढ़ी थी अपन ने, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम पढ़ी थी, इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। उसको 30 जून 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। उसमें मैंने बताया था कि अगर आप हर एक हेल्थ रिकॉर्ड को ऐड करोगे तो 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा एडवांस मिलेंगे, ठीक है, बोनस मिलेगा जो भी हॉस्पिटल होगा उसको। तो वहीं पे मैंने बताया था आभा आईडी 14 डिजिट की होती है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने $200 मिलियन का लोन दिया इंडिया को फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, जो आप अलग से लोन की वीडियो बनाई है वहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए, ठीक है। $200 मिलियन इंडिया को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, ऑर्गेनाइजेशन पूछी है, ठीक है। बल्क डिपॉजिट की जो लिमिट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए वो कितनी है, वो है 3 करोड़, पहले कितनी थी ये पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले थी 2 करोड़, ठीक है। तो यार एक एक लाइक कर दो यार सभी अच्छे से, और कमेंट भी कर दो, अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना कि आप लोगों ने जीए में कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने $1.5 बिलियन का लोन दिया इंडिया को फॉर लो कार्बन एनर्जी डेवलपमेंट। तो जो बैंकिंग अवेयरनेस की मैंने तीन घंटे की वीडियो डाली थी, उसका पहला क्वेश्चन यही था, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बायो E3 पॉलिसी, ये भी मैंने कल की क्लास में बोला था 100% ये क्वेश्चन आएगा। बायो E3 पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की थी, इसमें E3 क्या है, ठीक है, मैंने याद भी करवाया था, इकोनॉमी एनवायरमेंट एम्प्लॉयमेंट CNM, ठीक है। कौन से बैंक ने पार्टनरशिप किए टाटा पावर के साथ फॉर सोलर रूफटॉप फाइनेंसिंग के लिए, तो बहुत सारे बैंक ने किए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा इसका, टाटा पावर ने किए, टाटा पावर के साथ ICICI बैंक ने किए, बैंक ऑफ इंडिया ने किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 500 क्वेश्चन में था कि जो सेकंड लार्जेस्ट डायमंड मीना है वर्ल्ड का 2492 कैरेट का है, ठीक है, कौन सी कंट्री के माइन में मिला है ये, तो बोत्सवाना के अंदर है, बोत्सवाना के एक पर्सन है एडविन डिकोलोती, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट भी उन्हीं को बनाया है, ठीक है, एडविन डिकोलोती। नेक्स्ट
ये क्वेश्चन भी गवर्नमेंट स्कीम का है। गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से बताया था कि मॉडल स्कीम लोन स्कीम है, उसमें लोन की लिमिट 7.5 लाख कर दी है। इसमें कितने लोन के अमाउंट तक, लोन का आपका आउटस्टैंडिंग कितना होगा, कितने आउटस्टैंडिंग तक आपको क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाएगी, तो 75% एग्जैक्ट यही आंसर है। ठीक है, एम्प्लॉयर का शेयर कितना होगा एनपीएस में, तो नेशनल न्यू जो न्यू पेंशन स्कीम है जो मैंने बताई थी एनपीएस स्कीम, ठीक है, अच्छे से पढ़ी थी आपको, उसके अंदर ही मैंने बताया था। और बजट की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने बताया था, क्योंकि बजट में प्रपोज हुआ था जुलाई के अंदर एनपीएस का के अंदर जो एम्प्लॉयर का शेयर है वो 14% कर दिया, एम्प्लॉय का तो वही 10%, और जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें कितना है 18.5%। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम की क्लास जिसने नहीं देखी एक बार देख लेना यार, वो हेल्प करेगी सभी को। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है डीप में, कि आरबीआई ने एक सर्कुलर दिया था, जितनी भी डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है आर नाउ रिक्वायर्ड टू मेंटेन 1% ऑफ द लिक्विड असेट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हेल्ड बाय देम बाय 1 जनवरी 2025। तो मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था आपको 1 जुलाई 2025। ठीक है, तो इसमें आरबीआई ने बोला इनको फेज मैनर में भी कर सकते हो आप, जो भी आपका पब्लिक डिपॉजिट है उसका जो लिक्विड असेट है आपको कितना हेल्ड करना है, तो 1 जनवरी 2025 तक 14% करना है, 15% करना है 1 जुलाई 2025 तक, तो आंसर होगा 14%, ये आपका एग्जाम में आंसर रहा। ठीक है, शिखर धवन का क्या रिकॉर्ड है, तो देखो बिल्कुल अनरिलेवेंट क्वेश्चन पूछा, कुछ भी पूछ लिया। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ये क्वेश्चन नहीं पूछना था। शिखर धवन, अब जो क्रिकेट देखता होगा वो तो ऑप्शन से कर लेगा ये क्वेश्चन। तो शिखर धवन ने फास्टेस्ट टेस्ट 100 बनाया डेब्यू का, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं धवन ने, तो एक रिकॉर्ड थोड़ी तोड़ा है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया है, कौन सी कंपनी को अप्रूवल मिला है आरबीआई से टू कन्वर्ट फ्रॉम एनबीएफसी सीआईसी फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी से, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी का के लिए अप्रूवल मिला है, तो वो मिला है एलएनडी फाइनेंस को भी मिला है, टाटा कैपिटल को भी मिला है, ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से आंसर होगा इसका। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की मिनिमम नेटवर्क 10 करोड़, यूपीआई लाइटएक्स की लिमिट पूछी है, लाइटएक्स की लिमिट तो 500 रुपये, यूपीआई लाइट की लिमिट बढ़ा दी। ठीक है, यूपीआई 1, 2, 3 की जो लिमिट है 5,000 रुपये से बढ़ा गया 10,000। अब नेक्स्ट मेरा जो टारगेट है आरआरबी के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाना, उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से डिटेल बताऊंगा, मॉक इंटरव्यू लूंगा मैं एक दो आप लोगों को कहाँ मेल वगैरह करने हैं वो सब चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, यूपीआई 1, 2, 3 की तिथि की ये लिमिट 5,000 से बढ़ाकर 10,000, यूपीआई जो लाइट वॉलेट है वॉलेट की जो लिमिट थी यूपीआई लाइट में 2,000 रुपये थी 5,000 कर दी, यूपीआई लाइट की लिमिट 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 कर दी। ठीक है, और जो टैक्स पेमेंट के लिए यूपीआई से थ्रू जो भी टैक्स पेमेंट करेंगे उसकी लिमिट कितनी कर दी है, ये भी मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में 500 क्वेश्चन में। ठीक है, आरबीआई ने वो कर दी 5 लाख, पहले 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एमओयू विद पेट्रोन टू एक्सप्लोर सेटिंग अप ए 500 KTA बायोथैलिन प्लांट इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी कल करवाया था मैंने, गेल ने किया है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया था, कार्थुम्बी अम्ब्रेला ए डिजाइन टू प्रोटेक्ट ए पर्सन अगेंस्ट रेन और सनलाइट, तो जो कार्थुम्बी कौन से स्टेट की ट्राइब है बताना है क्या ये, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था केरला, मैंने एग्जाम नहीं दिया, मुझे जो फीडबैक मिला उसी से मैं ये क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, अभी नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड हुआ है 17, ठीक है, वहाँ पे गोल्डन लोटस अवार्ड दिया है, जिसको स्वर्ण कमल अवार्ड किस किस को दिया है, बेस्ट फिल्म के लिए अट्टम आनंद एकाशी को दिया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता अरिजीत सिंह को केसरिया सॉन्ग के लिए मिला है। ठीक है, और यहीं पे दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दादा साहब फाल्के अवार्ड ये दिया है मिथुन दा को, मिथुन चक्रवर्ती को दिया है। ठीक है, पीएफआरडी ने लॉन्च किया है, कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है पेंशनर के लिए, दीर्घायु। ठीक है, अब ये बताना क्या ये क्वेश्चन था कि कौन सी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो 5 है अपन को पता ही है, एक वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कमेंट करना AIFI के नेम, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी, नेफ्ड, NHB, तो इस क्वेश्चन का डाउट है बताना क्या ये था। फ्लोरोसेंस स्मार्टफोन डिवाइस कौन सी डिजीज को डिटेक्ट करेगा, तो वो है टीबी। ठीक है, इस क्वेश्चन का बताना क्या आया था, हाइएस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड इन इंडिया इन विच स्टेट, हाइएस्ट एरिया ऑफ वेटलैंड तो वो है गुजरात। ये नहीं पूछा कि लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट रामसर साइट नहीं पूछी। ठीक है, हाईएस्ट एरिया जो वेटलैंड का है कौन से स्टेट में, तो वो गुजरात इसका आंसर है, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था और आंसर गुजरात ही होगा। ठीक है, एमएसएमई के लिए जो भी माइक्रो एंटरप्राइज है उसकी इन्वेस्टमेंट साइज कितनी होगी,
किसी वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि अमर समी का इन्वेस्टमेंट और जो टर्नओवर है उसकी लिमिट याद कर लेना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार और क्वेश्चन आ गया देखो। तो जिस जिसने मेरी चेकलिस्ट अच्छे से फॉलो की होगी ना उसने काफी अच्छा स्कोर किया होगा, ये मेरी गारंटी है। तो माइक्रो एंटरप्राइज के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है 1 करोड़, टर्नओवर होता है 5 करोड़, इसको 5 गुना किया। स्मॉल के लिए भी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, इसका 5 गुना, टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम के लिए भी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, तो टर्नओवर 5 गुना, 250 करोड़। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, मैनुअल स्कैवेंजर जो है उनके लिए एक जो लोन है उसकी लोन के अंदर जो कैपिटल सब्सिडी मिलती है उसकी रेट चेंज की है और मैक्सिमम लिमिट 3.5 लाख से शायद 5 लाख कर दी है। तो बताना क्या यही क्वेश्चन था। विश्व में जो क्यूब है उससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, इंडिया ने 4 यूक्रेन को दिए अभी, ये मोबाइल वैन से, ठीक है, मोबाइल हॉस्पिटल है सॉरी, और इसकी कैपेसिटी है 200 इमरजेंसी केस को हैंडल कर सकती है 48 आवर्स तक। कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आते हैं, टैक्स, ड्यूटीज, फीस, ठीक है, अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रीज एंड कल्पतरु रीज इन द इंडियन ओशियन हैव बीन अप्रूव्ड बाय इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने इनको अभी ऐड किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्म में लेके आ गया। ठीक है, जिंक प्रोड्यूसर में टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं है, टॉप 5 की कौन कौन सी, चाइना, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आंसर था। ठीक है, एनपीसीआई प्रमोटेड बाई हाउ मेनी बैंक्स, तो एनपीसीआई को 10 बैंक प्रमोट करते हैं। ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने बोला था ओलंपिक से क्वेश्चन आएगा, हिम्मत मत हारो आएगा ना क्वेश्चन, मेज द कोलम वाला क्वेश्चन था और वहां पे जो आंसर था अमन शेरावत, बॉक्सिंग से रिलेटेड यही आंसर था। अब लोग बाग बोल रहे हैं कि सर वहां पे जेवलिन था और नीरज चोपड़ा एथलीट था, सॉरी, अब नीरज चोपड़ा तो जेवलिन से है, अरे जेवलिन एथलीट के अंदर ही आता भैया। ठीक है, जो भी फील्ड एंड ट्रैक इवेंट होते हैं वो एथलेटिक्स में ही आते हैं। ठीक है, मारामारी इज ए टाइप ऑफ कैटल रेस कंडक्टेड इन विच स्टेट ऑल्सो नोन एज कलापट्टू, यही क्वेश्चन मैं बता रहा था। कलापट्टू केरला में होती है, एक रेस है कैटल की रेस। ठीक है, इंडिया ने साइन किया लोकल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ, तो यूएई के साथ भी किया, नाइजीरिया के साथ भी किया, इंडोनेशिया के साथ भी किया। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या ये था इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ इस क्वेश्चन में, तो आप लोग एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को शेयर कर देना। ठीक है, सिस्टमेटिकली इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी कौन सी, SIB बैंक भी पूछे जाते हैं, आप कंपनी इंश्योरेंस कंपनी पूछ लिए, LIC है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और GIC। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पूछा है, उसमें इंडिया की रैंक 39 थी, इसमें क्या पूछा था आप लोग बताना। ठीक है, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितनी है, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के अंदर कितना लोन मिलेगा, 15,000 आंसर है इसका। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट होल्डर की मिनिमम एज कितनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है उनका एज का, तो नो लिमिट है आंसर, ये भी गवर्नमेंट स्कीम का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, और कौन सी टर्म जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है, एक क्वेश्चन ये है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए, जो क्वेश्चन रह गया है एक बार आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करना और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।